दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश आयत पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीबी शेले के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत सी वर्स प्ले जिसका नाम है द सेंशी अ ट्रेजेडी ऑफ फाइव एक्ट्स। दोस्तों इस प्ले को हम लोग अच्छे से समरी जानेंगे, इसके बारे में कुछ बातें जानेंगे और इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हम समझेंगे। आपको जिसमें अच्छा लगे आप उसमें समझिए, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। उससे पहले अगर अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आगे वाली कोई भी आप टॉपिक मिस ना करें। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस प्ले के बारे में इंपॉर्टेंट कुछ बातें। तो दोस्तों जो हमारा प्ले है, जो ड्रामा है द सेंशी अ ट्रेजेडी, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो जान लेते हैं। द सेंशी अ ट्रेजेडी इन फाइव एक्ट्स, ये 1820 में आया था। ये एक वर्स ड्रामा है। वर्स ड्रामा क्या होता है? वर्स कोई चीज़ होती है जब वो पोएटिक फॉर्म में होती है, पोएम की तरह से लिखी हुई होती है। तो जो ड्रामा है ये पोएम की तरह से लिखी हुई है, इसको हम इसलिए वर्स ड्रामा कहते हैं। ये फाइव एक्ट्स में लिखी हुई है, जिसको पर्सी बाइशे शेली ने समर में लिखा था 1819 के। और ये जो इंसिडेंट है जो इसमें दिखाया गया है वो एक रियल रोमन फैमिली के एक इंसिडेंट है, उससे दिखाया गया है। और जो रियल रोमन फैमिली थी वो रहती थी द हाउस ऑफ सेंशी में, ठीक है। शैले ने इसको कंपोज किया था रोम में। रोम में किस जगह पर? लिवर्नो के पास में एक जगह था, विला वेल्सवानो में, लिवर्नो के पास एक जगह है रोम में, वहाँ पर इसको कंपोज किया था मई से लेकर के अगस्त 5, 1819 के बीच में, ठीक है। इतनी बातें आपको कन्फर्म हो गई। आगे क्या बातें जाननी है हमको? ये जो प्ले है ये स्टार्टिंग में इसको कंसीडर नहीं किया जाता था कि ये स्टेजेबल है। स्टेजेबल का क्या मतलब है? यानी कि इसको स्टेज पे परफॉर्मेंस करने लायक इस प्ले को नहीं माना जाता था, क्योंकि इसमें पैरिसाइड दिखाया गया है। पैरिसाइड क्या होता है? किसी भी कोई भी इंसान अगर अपने पिता की मृत्यु, पिता की हत्या कर देता है तो वो पैरिसाइड हो जाता है ना। जैसे साइड मतलब क्या होता है? हत्या कर देना। जैसे सुइसाइड होता है खुद की हत्या करना, मैट्रिसाइड होता है माता की हत्या करना, वैसे ही पैट्रिसाइड या फिर पैरिसाइड होता है पिता की हत्या करना। तो इसलिए इसको उस समय के लिए जो भी स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए नहीं माना जाता था। लेकिन फर्स्ट टाइम में पब्लिक में कब इसको परफॉर्म किया गया था? इंग्लैंड में 1922 में, जब इसको लंदन में एक बार सबसे पहली बार इसको परफॉर्म किया गया था स्टेज पर। याद रखिएगा, इंग्लैंड में 1922 में। और फिर उसको इसको कब परफॉर्मेंस इसकी कराई गई, कब परफॉर्म करा गया? इन 1886 द शैले सोसाइटी हैज स्पॉन्सर्ड अ प्राइवेट प्रोडक्शन ऑफ द ग्रैंड थिएटर इस्लिंगटन, ठीक है। इस्लिंगटन में एक ग्रैंड थिएटर था, ठीक है ना, जहाँ पर प्राइवेटली जो शैले सोसाइटी है उसने 1886 में इसको, इस प्ले को जो है थिएटर पे परफॉर्मेंस कराया था। जिस उस समय के इनकी ऑडियंस कौन कौन थे वहाँ पर? ऑस्कर वाइल्ड, रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड जी बी शॉ, ये सभी उसी ऑडियंस में थे, ठीक है ना। ये सभी फेमस राइटर्स हैं, इनको आप जानते होंगे। अच्छा, तो ये जो परफॉर्मेंस इसकी कराई गई स्टेज पर, उसके बाद भी इस बात पर बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ कि क्या ये प्ले वाकई में परफॉर्म कराना चाहिए था या नहीं कराना चाहिए था। इसीलिए इसके बाद ये कभी प्ले परफॉर्म नहीं कराया गया, फिर डायरेक्ट 1922 में पब्लिकली इसको परफॉर्म कराया गया था इंग्लैंड में, ठीक है। इसके बाद ये बहुत सारे कंट्रीज़ में, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, रसिया और फिर चेकोस्लोवाकिया और यूनाइटेड स्टेट्स, इन सभी जगहों पर इस प्ले को जो है परफॉर्म किया जाने लगा, प्रोड्यूस किया जाने लगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस प्ले के बारे में। तो अब चलिए जान लेते हैं इस प्ले के मेन कैरेक्टर्स हमारे कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये आपके कुछ सामने जो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं ये हमारे इस प्ले के मेन कैरेक्टर्स हैं। तो जान लेते हैं एक एक करके इन कैरेक्टर्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहला कैरेक्टर है हमारा काउंट फ्रांसिस्को सेंशी, द हेड ऑफ द सेंशी हाउस होल्ड एंड फैमिली। एक परिवार होता है सेंशी फैमिली, ठीक है। तो किसी परिवार का जो मेन सदस्य है, उसी तरह जो सेंशी फैमिली है उसका एक मेन सदस्य है जिसका नाम होता है फ्रांसिस्को सेंशी। ये एक काउंट होता है, ठीक है। इसकी एक बेटी होती है, इसका नाम होता है बियट्रेस। इसकी जो वाइफ है लुक्रेशिया, ये क्या है? ये
फ्रांसिस्को संसाई के बेटे मतलब बच्चों की स्टेप मदर है। इसकी फर्स्ट वाइफ नहीं है, मतलब ये सेकेंड वाइफ है। अगला करेक्टर है कार्डिनल कैमिलो। दोस्तों कार्डिनल कैमिलो ये एक प्रकार का चर्च में एक आप कह सकते हैं वर्कर होता है, एक चर्च में ही कोई एक पद पे होता है, जो कि स्टार्टिंग में आकर के बताता है कि जो फ्रांसिस्को सेंसी हैं इनको किसी एक मर्डर में दोषी पाया गया है, तो इस बारे में इनको इन्फॉर्म करता है। तो वो है सिर्फ यही एक जगह पर इनको दिखाया गया है, कार्डिनल कैमिलो को। उसके बाद आता है ऑर्सिनो, ये एक प्रिलेट होता है। प्रिलेट क्या होता है, पादरी के साथ में रहने वाले इंसान, जो फादर होते हैं चर्च में उसके साथ जो रहने वाले इंसान होते हैं वो होते हैं ऑर्सिनो। और लिगेट भी वही चीज़ होता है, तो सेवेला भी एक पोप का लिगेट होता है, एक कर्मचारी होते हैं उसी चर्च में। एंड्रिया क्या होती है, एंड्रिया एक सर्वेंट होता है, ठीक है, जो कि फ्रांसिस्को संसाई का एक सर्वेंट था। मार्जियो और ओलिम्पियो ये दोनों असैसिन हैं। असैसिन मतलब जो लोग हत्या करते हैं। इन लोगों को हत्या करने के लिए बुलाया गया था। आगे आप स्टोरी जब सुनेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि क्या है इसका पूरा मैटर। और इस स्टोरी में दो बच्चे हैं, जो कि इनके दो बेटे हैं, गियाकोमो और बर्नार्डो। ये दोनों सन हैं सेंसी के, ठीक है। अब ये है हमारे करेक्टर्स। मुझे पता है कि आपको एक बार में सारे करेक्टर्स नहीं याद होंगे, ना ही आपको अच्छे समझ में आया होगा। अभी जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो अब चलिए बढ़ते हैं अपने समरी की ओर। तो दोस्तों अब कहानी जान लेते हैं कि इस प्ले में क्या कहानी है। तो पहले मैं एक बार इंग्लिश का पढ़ता हूँ, उसको ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में समझाता चलता हूँ, ठीक है। द प्ले ओपन्स विथ कार्डिनल कैमिलो डिस्कसिंग विथ काउंट फ्रांसिस्को सेंसाई द मर्डर इन विच सेंसाई इज इम्प्लिकेटेड। Camilo tells Sensei that the matter will be hushed up if Sensei will relinquish a third of his possessions, his property beyond the Princian gate to the church. अब यहाँ पर जब प्ले ओपन होता है तो सबसे पहले दिखाया जाता है कि जो कार्डिनल कैमिलो है वो आकर के जो फ्रांसिस्को सेंसी है उससे डिस्कस करता है कि आपने जो मर्डर किया था उसमें आपको दोषी पाया गया है, अगर आप बचना चाहते हैं तो आप अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा हमारे नाम कर दीजिए, ठीक है। अब ये बात तो हो जाती है, उसके बाद क्या कहानी बढ़ता है आगे। उसके बाद ये होता है काउंट सेंसेई हैज़ सेंट टू ऑफ हिज सन्स रोको एंड क्रिस्टिफानो टू सलामांका स्पेन इन द एक्सपेक्टेशंस दैट दे विल डाई ऑफ स्टार्वेशन। अब क्या होता है, जो काउंट सेंसी होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूएल एक फादर होता है। वो क्या करता है, अपने दो बच्चे जिनका नाम होता है रोको और क्रिस्टिफानो, इनको ये स्पेन भेज देता है सलामांका। वो वहाँ पर ये सोचता है कि उस समय भूखमरी की हालत चल रही होती है स्पेन में, तो सोचता है कि वहाँ पर जाकर के मेरे जो ये दो बेटे हैं ये भूखमरी से मर जाएंगे, तो उनको कुल मिलाकर के मरने के लिए भेज देता है ये। फिर क्या होता है, द काउंट्स वर्चुअस डॉटर बियट्रिस एंड ऑर्सिनो अ प्रिलेट इन लव विथ बियट्रिस डिस्कस पेटिशनिंग द पॉप टू रिलीव द सेंसाई फैमिली फ्रॉम द काउंट्स ब्रूटल रूल। अब जो काउंट ये जो सेंसी की फैमिली का हेड है उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है बियट्रिस, तो एक पोप का एक क्या कह सकते हैं एक पादरी के साथ में रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है ऑर्सिनो, ठीक है, जिसको प्रिलेट कहते हैं। एक कोई पद होता है वहाँ पे चर्च में, इसको प्रिलेट कहा जाता है। तो वो एक ऑर्सिनो नाम का एक बंदा होता है, वो प्रिलेट होता है, तो वो इसकी बेटी बियट्रिस से बहुत प्यार करता है क्योंकि इसके पास बहुत धन दौलत होता है इसके लिए। तो वो इनको एक आइडिया देता है कि तुम ऐसा करो, तुम एक पेटिशन है ना, एक दया याचिका डाल दो पोप के जो फादर हैं उनके पास, वो इस बात से आकर के इनको समझाएंगे कि जो है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसे ब्रूटल रूल ना किया जाए, बहुत ज़्यादा आपको मारा पीटा ना जाए, आपके साथ अच्छे से रहा जाए। इसके लिए तुम एक काम करो, चर्च के लिए ना एक लेटर लिखकर के दे दो, पेटिशन लिखकर के दे दो। अब ये बात उसको बहुत अच्छी लगती है बियट्रिस को, तो क्या करती है ऑर्सिनो विथ होल्ड्स द पेटिशन हाउएवर रिवीलिंग हिमसेल्फ टू बी डिस इंजीनियस lustful for
बेट्रेस एंड ग्रीडी। अब वो सोचता है कि मैं ये पिटिशन वाला तो बोल आया हूँ, लेकिन मैं तो बहुत ही लस्टफुल नेचर से बेट्रेस के साथ हूँ, मैं लालच की वजह से हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जो है ये, जैसे ये बात पता चले चर्च में कि मेरा इसके साथ अफेयर चल रहा है या मैं इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, तो मुझे ही ना निकाल दिया जाए क्योंकि मैं बहुत अच्छा यहाँ पर कमा रहा हूँ। तो इसके लिए वो क्या करता है, वो उसके साथ उसके पास तक नहीं पहुँचने देता है चर्च तक वो लेटर, ठीक है, वो वापस कर देता है, वो अभी आगे आपको पता चलेगा। उसके बाद क्या होता है, उस समय क्या हो रहा होता है, आफ्टर ही हियर्स द न्यूज़ दैट हिज सन हैव बीन ब्रूटली किल्ड इन सलामांका, द काउंट होल्ड्स अ फीस्ट इन सेलिब्रेशन ऑफ देयर डेथ्स, कमांडिंग हिज गेस्ट टू रिवील विद हिम, सॉरी टू रेवल विद हिम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जो सेंसी है, जो मेन हेड है, उन लोग का फादर है, जो उसको पता चलता है कि वहाँ सलामांका में जा कर के उनके दोनों बेटों का बहुत ही ब्रूटली मर्डर हो गया है, वो दोनों बहुत ही बुरी तरह मर गए हैं। अब इस बात को वो सेलिब्रेट करता है, पार्टी देता है, वो सेलिब्रेट करना चाहता है, और वो पार्टी में क्या करता है, सेंसी ड्रिंक्स वाइन विच ही इमेजिन्स एज माई चिल्ड्रंस ब्लड विच ही डिड थर्स्ट टू ड्रिंक ड्यूरिंग द फीस्ट, बीट्रिस प्लीड्स विद द गेस्ट टू प्रोटेक्ट हर फैमिली फ्रॉम हिज सैडिस्ट फादर, बट द गेस्ट रिफ्यूज इन फियर ऑफ सेंसाईज ब्रूटली एंड रिट्रीब्यूशन। अब क्या होता है, जब सेंसाई के फादर, जो मेन हेड है उसके, उसको जब पता चलता है उसके बाप को कि उनका दोनों बेटे मर गए हैं, तो वो क्या कहता है, एक पार्टी देता है, और पार्टी में जो वाइन हो रही होती है, वो वाइन को जब पीता है तो वो कहता है कि ऐसा लग रहा है मैं अपने बच्चों का खून पी रहा हूँ क्योंकि मैं इनका बहुत दिन से प्यासा था। ठीक है, अब क्या होता है, उसी समय जिस समय फीस्ट चल रही होती है, पार्टी चल रही होती है, जो बियट्रिस है वो जो वहाँ पर गेस्ट आए हुए थे उनसे कहती है कि हमें और हमारी फैमिली को बचा लीजिए मेरे सैडिस्ट फादर से, ये बहुत ही हम हमारे ऊपर बहुत ही ब्रूटल हमसे बिहेव करते हैं, हमारे ऊपर अच्छा बिहेव हमसे नहीं करते हैं, ठीक है, तो हमको इनसे बचा लीजिए। लेकिन जो वहाँ पर गेस्ट आए हुए होते हैं वो सेंसाई के ब्रूटलिटी से बहुत ज़्यादा अच्छे से जान रहे होते हैं उनको कि ये बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान है, बहुत ही घिनौना आदमी है, इसके चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है, तो वहाँ पर जितने भी गेस्ट आए होते हैं सब लोग मना कर देते हैं। फिर वहाँ पर एक्ट फर्स्ट खत्म हो जाता है, एक्ट सेकंड शुरू होता है। एक्ट सेकंड में क्या होता है, काउंट सेंसी टॉर्मेंट्स बियट्रेस एंड हर स्टेप मदर ल्यूक्रेशिया एंड अनाउंसेस हिज प्लान टू इम्प्रिजन देम इन हिज कैसल इन पेट्रेला। अब सेंसाई क्या करता है, ये बात सुन लेता है, जब उसको पता चलती है कि मेरी जो बेटी है वो हमें ही मारना चाह रही है, हमको हमसे बचना चाह रही है, तो वो एक कैसल है पेट्रोला में, वहाँ पर ले जा करके उन दोनों को इम्प्रिजन कर देता है, बंद कर देता है, और वहीं पर ले जा करके वो अपनी ही बेटी का रेप करता है। आगे ये बात आपको पता चलेगी जब बियट्रिस अपने मदर से, यानी कि ल्यूक्रेशिया से ये बात कन्फेस करेगी। लेकिन यहाँ पर इस तरह से किसी स्टोरी में ऐसे ही डायरेक्ट नहीं दिखाया वहाँ पर रेप होता है, लेकिन आगे चलकर कि ये बात खुद बियट्रिस बताती है, ठीक है, तो अभी हम आगे आगे ये चीज़ देखते रहेंगे क्या क्या आता है। फिर क्या होता है उसके बाद, अ सर्वेंट रिटर्न्स बियट्रिस पेटिशन टू द पोप अनओपेंड एंड बियट्रिस एंड ल्यूक्रेशिया डिस्पियर ओवर द लास्ट होप ऑफ सेल्वेशन फ्रॉम द काउंट। अब क्या होता है, एक पोप से, पोप के पास से एक कर्मचारी आता है, वो बताता है कि आपने जो लेटर लिख के दिया था वो पोप ने ओपन नहीं किया है और इसको ऐसे ही भेज दिया गया है। लेकिन वाकई में क्या होता है, जो वहाँ पर उसका लवर होता है ऑर्सिनो, वो क्या करता है, वो ओपन नहीं होने देता है, उसको वापस ही भिजवा देता है, ये कह करके कि जाकर के बता देना पोप हैं वो कह रहे हैं कि इसमें वो ज़्यादा कोई मदद नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो लास्ट होप था बियट्रिस और ल्यूक्रेशिया का, वो भी ख़त्म हो जाता है। अब क्या होता है, ऑर्सिनो इनकरेजेस सेंसाईज सन गियाकोमा अपसेट ओवर सेंसाईज अप्रोप्रिएशन ऑफ गियाकोमाज वाइफ डाउरी टू मर्डर सेंसाई। अब जो सेंसाई है उसका एक और बेटा है जिसका नाम है गियाकोमो, ठीक है। अब गियाकोमो को ऑर्सिनो उकसाता है क्योंकि जो गियाकोमो है वो भी सेंसाई को मारना चाहता है, क्योंकि उसकी वाइफ से जो उसको दहेज मिला था वो सब पैसा या फिर वो सारा दहेज का जितना भी अमाउंट होता है वो सब सेंसाई अपने ऐशो आराम में उड़ा चुका है, इसलिए उसका बेटा भी उसको मारना चाहता है। तो इस तरह से ऑर्सिनो गियाकोमो को इनक्रेज करता है, ठीक है, और यहाँ पर एक्ट टू ख़त्म हो जाता है। फिर आता है एक्ट थर्ड। एक्ट थर्ड देखते हैं क्या है। एक्ट थर्ड में बियट्रिस रिवील्स टू ल्यूक्रेशिया दैट द काउंट हैज़ कमिटेड ऑन अनमीएबल एक्ट अगेंस्ट हर एंड एक्सप्रेसेस फीलिंग फॉर
स्पिरिचुअल एंड फिजिकल कंटेमिनेशन इम्प्लाइंग सिंसाइज इंसेक्टुअस रेप ऑफ हिज डॉटर। अब यहाँ पर ये बताती है बीट्रेस कि उसके फादर ने उसके साथ रेप किया है, ठीक है। ऑर्सिनो एंड लुक्रेसिया एग्री विथ बीट्रेसेस सजेशन दैट द काउंट मस्ट बी मर्डर्ड। फिर वहाँ पर जो बीट्राइस है वो सजेस्ट करती है कि काउंट को मर जाना ही चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग उससे अलग हो जाएं और सेफ सेफ रहें, अब तो इसको मरना ही पड़ेगा, तो अब ये मर जाए तभी अच्छा है। और इस बात से जो ल्यूक्रेसिया हैं और जो ऑर्सिनो है वो दोनों एग्री कर जाते हैं, मान जाते हैं कि हाँ ठीक है अब तो मार ही डालते हैं कुछ भी करके। आफ्टर द फर्स्ट अटैम्प्ट एट पैट्रिसाइड फेल्स बिकॉज सिंसाई अराइव्स अर्ली, ऑर्सिनो कंस्पायर विथ बीट्रिस लुक्रेसिया एंड गियाकोमो इन अ सेकेंड एसेसिनेशन प्लॉट। अब क्या होता है, जो फर्स्ट अटैम्प्ट होता है कुछ ये लोग आपस में मिलकर के एक प्लान बनाए होते हैं, लेकिन वो फर्स्ट अटैम्प्ट फेल हो जाता है क्योंकि जो सेंसाई है वो जल्दी आ जाता है, जल्दी पहुँच जाता है उस कैशल में, उस महल में। तब क्या होता है, ये लोग फिर से मिलकर के दूसरा एक प्लॉट बनाते हैं, दूसरा एक प्लान बनाते हैं कि कैसे मारना है। तो फिर वो किसको बुलाते हैं, ऑर्सिनो proposes that two of Sensai's ill-treated servant Marzio and Olympio carry out the murder. उसके बाद क्या होता है कि जो दो पुराने बुरी तरह से प्रताड़ित उनके नौकर होते हैं, Sensai के जो नौकर होते हैं उनका नाम होता है Marzio और Olympio। अब ये उन दोनों को बोलता है कि ऐसा करो, तुमको बहुत ज़्यादा इसने तंग किया है, इसको मार डालो, ठीक है। अब वहाँ पर एक्ट थर्ड खत्म हो जाता है, शुरुआत होती है एक्ट फोर्थ की। तो एक्ट फोर्थ में क्या होता है, तो सीन शिफ्ट टू द पेट्रेला कैसल इन द एपोलियन एपेनिनस। अब क्या होता है, सीन शिफ्ट होता है, फिर वहाँ पे क्या होता है, ओलंपियो एंड मार्जियो इंटर सेंसाइज बेड चैम्बर टू मर्डर हिम बट हेजिटेट टू किल द स्लीप काउंट एंड रिटर्न टू द कॉन्स्पिरेटर्स विद द डीड अनडन। अब वहाँ पर जो फिर से कैसल में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वो सेंसाई सो रहा होता है, तो वहाँ पर जाते हैं ये लोग आपस में प्लान किए होते हैं कि जैसे राजा सोएगा या फिर वो जो काउंट है सोएगा तो ये जा कर के जो दो बंदे हैं उसके इल ट्रीटेड जो उनके सर्वेंट रहे हैं पुराने, वो जा कर के उन दोनों उसको मार देंगे। अब जैसे ही राजा सो रहा होता है, फिर वो जो काउंट है सो रहा होता है, माफ़ कीजिएगा बार बार दिमाग में राजा आ जा रहा है, वो जो काउंट है वो सो रहा होता है, तो ये लोग जब जाते हैं उसको मारने तो उसको देख करके डर जाते हैं और वहाँ पर से चुपचाप भाग आते हैं। और भाग के आके जो वहाँ पर जो तीन चार लोग रहते हैं, जैसे कि बीट्रिस है और लुक्रेसिया है ना, तो इन सभी को आकर के वो चीज़ बताते हैं कि हम उसको मार नहीं पाए हैं क्योंकि हम डर गए थे। फिर क्या होता है, थ्रेटनिंग टू किल सेंसाई हरसेल्फ बीट्रिस शेम्स द सर्वेंट इनटू एक्शन एंड ओलंपियो एंड मार्जियो स्ट्रैंगल द काउंट एंड थ्रो हिज बॉडी आउट ऑफ द रूम ऑफ द बालकनी। फिर क्या होता है कि वो राजा को नहीं, वो काउंट को नहीं मार पाते, तो जो बीट्रिस होती है वो कहती है तुम लोग एकदम से पागल हो, तुम लोग से कोई काम नहीं हो सकता, हटो मैं ही मार देती हूँ, वो जाकर के गला घोट के राजा को मार देती है। और फिर जब वो राजा मर या वो जो काउंट है वो मर जाता है, तो फिर उसको वो लोग मिलकर के बालकनी से नीचे फेंक देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जो बॉडी होती है इंटेंगल्ड इन अ पाइन, वो एक पाइन ट्री में आके टंग जाती है। शॉर्टली देयर आफ्टर सेवेला अ पॉपल लीगेट अराइव्स विद अ मर्डर चार्ज एंड एग्जीक्यूशन ऑर्डर अगेंस्ट सेंसाई। अब जो सेंसाई है उसके अगेंस्ट एक मर्डर चार्ज लगा होता है, स्टार्टिंग में हमको दिखता है पता चलता है। तो उसके लिए एक पोप के यहाँ से एक सेवेला नाम का इंसान आता है, ठीक है, कर्मचारी आता है जो कि सेंसाई को अरेस्ट करने आ रहा होता है। लेकिन तब उसको क्या पता चलता है कि सेंसाई की डेड बॉडी वहाँ पर लटकी हुई है, तो वो देखता है कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सबको अरेस्ट कर लेता है, उसमें से ऑर्सिनो बच जाता है क्योंकि वो डिसगाइज होता है, ठीक है, वो अपना भेष बदला रहता है और जैसे ही वहाँ पर लोग आते हैं वो भाग जाता है। तो इस तरह से ऑर्सिनो बच जाता है और जो उसके साथ में जितने भी लोग थे, यानी कि बीट्रिस हो गई, लुक्रेसिया हो गई और गियाकोमो हो गया, ये सभी लोग अरेस्ट कर लिए जाते हैं और यहाँ पर एक्ट फोर ख़त्म हो जाता है। एक्ट फाइव जो कि हमारा लास्ट एक्ट है उसमें बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, द सस्पेक्ट्स आर टेकन फॉर ट्रायल ऑफ मर्डर इन रोम,
जो सस्पेक्ट्स हैं उनको रोम में मर्डर के लिए ट्रायल पे ले जाया जाता है। मार्जियो इज टॉर्चर्ड एंड कन्फेसेस टू द मर्डर इम्प्लिकेटिंग सेंसाइज फैमिली मेम्बर्स। अब जो मार्जियो है, जो इल ट्रीटेड सर्वेंट में से एक सर्वेंट था, वो पहले ही टॉर्चर किया था उसको और वो कन्फेस कर देता है कि सेंसाई फैमिली मेम्बर ने ही उनको मारने की कोशिश की है। डिस्पाइट लर्निंग दैट लुक्रेशिया एंड गियाकोमो हैव ऑल्सो कन्फेस्ड, बिट्राइस रिफ्यूजेस टू डू सो, स्टेडफास्टली इंसिस्टिंग ऑन हर इनोसेंस। एट द ट्रायल ऑल ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स आर फाउंड गिल्टी एंड सेंटेंस टू डेथ। तो कुल मिलाकर के जब वहाँ पर सबको टॉर्चर किया जाता है तो एक एक करके सबको बोल लेते हैं और उन सभी को मृत्यु की सजा सुनाई जाती है, मृत्युदंड दिया जाता है। बर्नार्डो एंदर सन ऑफ सेंसाइज, एंदर ऑफ सेंसाइज सन, जो सेंसाई का एक और सन होता है बर्नार्डो, वो क्या करता है, अटेम्प्ट ऑफ फ्यूटाइल लास्ट मिनट अपील टू द पोप टू हैव मर्सी ऑन हिज फैमिली। वो लास्ट मिनट में सोचता है अपनी फैमिली को बचाने का, इसलिए पोप से वो अपील करता है कि हमारी फैमिली के ऊपर दया दिखाइए। लेकिन पोप क्या कहता है, पोप दया नहीं दिखाता है। वो क्या कहता है, आगे लिखा हुआ है, द पोप इज रिपोर्टेड टू हैव डिक्लेयर दे मस्ट डाई। द प्ले कंक्लूड्स विद बियट्रिस वॉकिंग स्ट्राइकली टू हर एग्जीक्यूशन फॉर मर्डर। हर फाइनल वर्ड्स आर, वी आर क्वाइट रेडी, वेल इट इज़ वेरी वेल। लेकिन क्या होता है, पोप मना कर देता है कि नहीं, इनको हम माफ़ नहीं कर सकते, इनको मरना ही पड़ेगा, दे मस्ट डाई। और फिर उसके बाद जो सीन है वो ख़त्म होता है, लास्ट में कंक्लूड, मतलब जो सीन है वो लास्ट में कंक्लूजन दिखाते हुए ख़त्म करता है कि जो बियट्रिस है वो बहुत ही शांति से टहल रही होती है और सोच रही होती है उस मर्डर के बारे में, और वो फाइनल में वर्ड एक बोलती है कि हम तो इस चीज़ के लिए पहले ही रेडी थे, खैर चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ। और यहाँ पर ये प्ले जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये प्ले आपको अच्छे समझ में आई होगी। थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं जितना भी आपको बताऊं आपको कन्फर्म हो जाए, अच्छे से आ जाए। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।